हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये डेल्टा वेरिएंट क्यों लिया था मैंने। बलेनो में चार वेरिएंट आते हैं स्पेसिफिकली, एक आता है अल्फा, फिर आता है जेटा, फिर आता है ये वाला डेल्टा, देन सिग्मा। सिग्मा बेस वेरिएंट है, उसको लेने से कोई मतलब नहीं है, जीरो साइंस, मतलब वो वाली बात है। अगर आपको सिर्फ मतलब गाड़ी का ऐसा ही कमर्शियल यूज़ करना है तो आप कर सकते हो, बट पर्सनल यूज़ के लिए वो अच्छा नहीं है वेरिएंट, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती है। 9 लाख के अंदर अगर आप गाड़ी देख रहे हो कि 9 लाख के अंदर अंदर आपको क्या कहते हैं प्रीमियम हैचबैक चाहिए तो आप ये ज़रूर ले सकते हो i20 के कंपैरिजन में। क्यों ले सकते हो क्यों नहीं, वो आपके यूसेज पे डिपेंड करता है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। और इस गाड़ी के अंदर क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है पहले मैं वो बता देता हूँ। इस छोटी सी वीडियो का वही पर्पज़ है। ये जो फॉग लैंप्स देख रहे हैं ये नहीं आते हैं कंपनी के साथ, ये मैंने बाहर से लगवाए, आफ्टर मार्केट है। एलॉयज़ अगर आप देख सकते हो, ये 15 इंचेस अलॉय है इसके टायर के साथ ही। टायर ये कंपनी वाले ही हैं, अपोलो के, बहुत ही बकवास टायर हैं। अगर आप हाईवे पे यूज़ कर रहे हो तो ना ही करो तो बेटर है, मतलब इसको खरीदते ही अगर चेंज करवा लो तो आपको बहुत अच्छी इसकी रीसेल मिल जाएगी और अच्छे पेयर ऑफ शूज़ इसके लिए आ जाएंगे, शूज़ इन सेंस टायर्स आ जाएंगे इसके लिए। गुडियर के लगवा सकते हो, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है गुडियर के अंदर, तो वो ब्रांड ऐसा है जो आप कंसिडर कर सकते हो। अभी गाड़ी चालू है, गाड़ी के अंदर यहाँ पे खड़े होके भी आपको आवाज़ फील नहीं करेगी। पीछे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता अभी के लिए, बट यहीं छाया थी इस वजह से मेरे को यहीं वीडियो बनानी पड़ रही है। मतलब सिर्फ इतनी सी आवाज़ आ रही है कि बेल्ट घूम रही हो जैसे, दैट्स इट, और कोई आवाज़ नहीं है इस गाड़ी के अंदर। अंदर से इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर में आपको क्या क्या मिल जाता है वो भी दिखा देता हूँ मैं। उस साइड से खुला है, इंटीरियर में आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सब कुछ मिल जाता है इसके अंदर, मतलब जो जो आपको इन जनरल चाहिए होता है। जैसे i20 का कौन सा वेरिएंट आता है, सेकंड जो एस्ट्रा स्पोर्ट्स जो वेरिएंट है उसके आसपास ही कहीं जाके टच होता है वेरिएंट। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें सिमिलर है उसके कंपेरिजन में, तो ये इसमें ये 7 या 8 इंचेस की टच स्क्रीन मिल जाती है। इसके अंदर एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो दोनों हैं, सॉर्टेड है, मतलब कोई दिक्कत नहीं, कोई लैग नहीं, कोई रिलायबिलिटी कोई इशू नहीं। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है आपको। इंटीरियर का कलर डुअल टोन, तो क्या एक डैशबोर्ड तो ट्रिपल टोन में है पर साइड वाले जो गेट के हैं ये सब आप देख सकते हो ये डुअल टोन के अंदर है, ब्लैक एंड ब्लू कलर के, बहुत ही अच्छा डिसेंट लगता है। ओवरऑल फिट एंड फिनिश डिसेंट है, डिसेंट बोला जाएगा, मैं ये नहीं कहूँगी कि टॉप नॉच है, बट ये है कि टॉप नॉच तो हो भी नहीं सकती मारुति की, मैं तो सीधी सी बात बता रहा हूँ। बट ये है कि अगर आपको सिटी के लिए चाहिए गाड़ी तो इससे अच्छी गाड़ी नहीं हो सकती 9 लाख के अंदर। एवरेज भी इसकी बहुत बढ़िया निकल जाती है, उसकी वीडियो आप देख सकते हो, इससे पहले मैंने डाल दी होगी। मेरे हिसाब से टेस्ट करी थी मैंने सिटी के अंदर कैसी है कैसी नहीं, वो आई बटन पर लिंक दे देता हूँ मैं, वहाँ पर इस पर क्लिक करके आप देख लेना, राइट कॉर्नर पर लिंक आ रहा होगा। स्पेस के मामले में भी कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है, मैं रियर से भी दिखा देता हूँ एक बार जल्दी से जिससे आपको आइडिया हो जाए। अरे अनलॉक करो, ये देखिए स्पेस 6 फीट हाइट है मेरे हिसाब से, आगे वाली सीट एडजस्ट हो रखी थी, ये मेरी गैप दिख रही होगी आपको बीच में, इतना गैप है। ये मैं आपको 1x पे भी कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से आइडिया हो जाए, इतने आराम से मैं बैठा हूँ। और हेडरूम की बात करो, हेडरूम सिर्फ इतना सा है, मेरे को इतना सा मिल रहा है मेरी हाइट के हिसाब से, ठीक है 6 फीट हाइट है, उस हिसाब से आप देख लीजिए। अगर आपके फैमिली में मतलब सिर्फ आप ही ड्राइवर हो तो और आपकी सबसे ज़्यादा हाइट है तो आपको तो कोई टेंशन की लेने की बात ही नहीं है। अगर मतलब 6 फीट से नीचे या 6 फीट के अराउंड हो तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं, आप तो आप वैसे ही आगे बैठने वाले हो, पीछे बाकी सब कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। और ये वाइडनेस की बात करूँ तो मेरे जैसे 2 जने और आराम से बैठ सकते हैं। ये नहीं कह रहा कि एकदम मतलब टूरिंग के लिए बेस्ट है, बट ये कह सकता हूँ सिटी राइड के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आराम से एडजस्ट हो सकते हो, बहुत वाइड है गाड़ी। ओवरऑल अंदर से जो मतलब फील है ना, बड़ा एयरी टाइप का फील है, मतलब कोई कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लगता कि घुट रही है गाड़ी। i20 में क्या दिक्कत है, ये जो लाइन्स मतलब ये गेट की जो भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं दिमाग से निकल गई, ये बड़ी हाई है, जैसे वरना में आती है वैसी हाई है, तो उसकी वजह से ऐसा लगता है आप बहुत नीचे बैठे हो और क्लस्ट्रोफोबिक सा थोड़ा फील होता है उसके अंदर।
बट i20 कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट पे ही रहती है उसकी क्वालिटी की वजह से, वो मैं अलग वीडियो में किसी अलग वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। बट अभी सिर्फ डेल्टा वेरिएंट की बात कर रहे हैं अपन, तो स्पेस तो ऐसी चीज है जो कॉमन ही आएगी आपको सारे वेरिएंट के अंदर। अंदर ये जो मैट दिए साथ में, ये भी मैंने खरीदी है अलग से, इसके नीचे मैट लगी हुई है, ये साथ में नहीं आई थी कंपनी के। और क्या क्या चीज़ें चेंज कराई पीछे, ये जो स्पॉयलर है ये भी कंपनी के साथ आता है बट ये मैंने ब्लैक करवाया है। ऊपर एंटी डॉल्फिन वाला एंटीना है वो मैंने चेंज करवाया है, 400 रुपये का आता है, लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है एफएम के साथ भी। ओवरऑल लुक जो है गाड़ी का वो कुछ ऐसा है, अच्छा लुक है, मतलब बहुत इम्प्रूवड है पहले वाली से। अगर इससे पहले वाली बलेनो आती तो शायद मैं लेता ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर फील ही इतनी बकवास है, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्लास्टिक की टाइप लगती है। इसमें कुछ ऐसा लगता है कि हाँ मतलब आज की है या कुछ, मतलब फ्रेश सा फील होता है इसके अंदर ओवरऑल। बाकी इसकी जो ड्राइविंग डायनामिक्स है उसके बारे में मैं अलग वीडियो में बात करूंगा आपसे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है इसके अंदर। बस मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर आप बलेनो लेना चाह रहे हो और आप चाह रहे हो कि 9 लाख के अंदर अंदर एक अच्छा वेरियंट मिल जाए तो आप ये ज़रूर ले सकते हो। 8,95,000 में ये सारी एक्सेसरीज के साथ आया है ये वेरियंट। इसके अंदर क्या कहते हैं एलॉय भी इंक्लूडेड है, 32,000 समथिंग के इसके एलॉयज थे। तो ये अगर लिस्ट चाहिए तो मैं लिस्ट वीडियो के एंड में भी दे दूंगा कि कौन से एक्सेसरीज मैंने एक्स्ट्रा लिए। 5 साल की वारंटी भी थी इसके अंदर, तो वो भी 9 लाख के अंदर अंदर सब कुछ है। मतलब ये ओवरऑल अगर आप सिटी के लिए ले रहे हो तो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, इससे अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट आपको नहीं मिल सकता। इसकी पेट्रोल इंजन की भी जितनी पावर है ना उस हिसाब से ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट निकल के आता है। तो अभी इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, अगली वीडियो आएगी इसकी ड्राइविंग इंप्रेशन पे कि भाई चलाने में कैसी है, कैसा फील है, कैसा नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो आप ज़रूर देखना, उसको मिस मत कर देना क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो आपका डिसीजन आपको बना भी सकती है तोड़ भी सकती है, वैसे वाली बात है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल आदित्यस गैरेज, टेक केयर, बाय बाय।